Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Namaskar. मध्य प्रदेश के मेहनती किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं, डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है। और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को
उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाए तो उनके पुराने बयान सुने जाए, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा
इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज, झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे, किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं निहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है, जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है, और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर? किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग? साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। ये यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया, फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है।